दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारी YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की बड़ी खबर, आज फिर महंगी हुई चांदी। इन बड़े शहरों में चांदी के दामों में आई हुई आज भारी बढ़ोतरी। तो दोस्तों आज कितनी महंगी हुई है चांदी इन बड़े शहरों में, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों साथ ही साथ बताएंगे चांदी अपने ऑल टाइम हाई रेट से अब तक कितनी सस्ती हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना चांदी के ताजा भाव जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आपको बता दें भारत के इन बड़े शहरों में आज चांदी के दाम कुछ इस प्रकार हैं। दोस्तों चेन्नई में आज एक किलो चांदी 58,000 रुपए की है। दोस्तों मुंबई में, नई दिल्ली में और कोलकाता में आज एक किलो चांदी 52,300 रुपए की है। दोस्तों मैंगलोर में, हैदराबाद में और केरल में आज एक किलो चांदी 58,000 रुपए की है। दोस्तों पुणे में, बड़ौदा में, अहमदाबाद में, जयपुर में और लखनऊ में आज एक किलो चांदी 52,300 रुपए की है। दोस्तों कैमूटर, मधुरे और विजयवाड़ा में आज एक किलो चांदी 58,000 रुपए की है। दोस्तों नागपुर में, चंडीगढ़ में, सूरत में आज एक किलो चांदी 52,300 रुपए की है। दोस्तों भुवनेश्वर में, मैंगलोर में और विशाखापट्टनम में आज एक किलो चांदी 58,000 रुपए की है। दोस्तों नासिक की बात करें तो नासिक में आज एक किलो चांदी 52,300 रुपए की है। और दोस्तों मैसूर में आज एक किलो चांदी 58,000 रुपए की है। तो दोस्तों आज चांदी के दामों में 700 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और चांदी को ऑल टाइम हाई रेट से देखा जाए तो अभी भी 22,000 रुपए सस्ती है चांदी। चांदी ने अपना ऑल टाइम हाई रेट अगस्त 2020 में बनाया था, उस टाइम से अब तक 22,000 रुपए सस्ती है चांदी। तो दोस्तों यही सही मौका है चांदी खरीदने का, शादी ब्याह पार्टी के लिए अगर आप चांदी खरीदना चाहते हैं तो अभी खरीद लें, इन बड़े शहरों में सस्ती है चांदी। दोस्तों ये तो आज का इन बड़े शहरों का एक किलो चांदी का करेक्ट भाव। दोस्तों रोजाना चांदी के ताजा भाव जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास आना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।